माँ हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहा हो तुम, मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहा हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहा हो तुम। ओम शांति। पवित्र स्वरूपा जगदम्बा माँ सरस्वती के स्मृति दिवस उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन। मातेश्वरी ओम राधे से विद्यादायिनी सरस्वती बने, मीठी मम्मा के जीवन में पवित्रता का झलक स्पष्ट और आजीवन दिखाई दे। सन 1936 में जब ओम मंडली में आई और अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर वही निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता शिव बाबा को उन्होंने सही रूप से पहचाना, ये है उनकी स्वच्छ बुद्धि की परख। तुरंत ही अपने लौकिक जीवन का आरंभ करने से पहले एंगेजमेंट की अंगूठी शिव बाबा को अर्पण किया, अर्थात पवित्र हृदय से शिव बाबा को पिता पति के रूप में जीवन में स्वीकार कर लिया। मीठी मम्मा उसके बाद कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई समाज प्रथा कोई कुल रिवाज को ना संसार को देखा, देखा तो हमेशा परमात्मा पिता को ही देखा। इतना स्वच्छ इतना पवित्र जीवन हमें संसार में कुछ एक ही मिलते हैं। मम्मा की परख हम उनके जीवन गाथा से जान सकते हैं। मिले तो नहीं हैं, बाद में आए हैं, लेकिन फॉलो मदर करना एक अपने जीवन का डिसिप्लिन बना दिया है। एक बार छोटी सी इंसिडेंट है, लेकिन उसमें पवित्रता का महक कितना है। एक बार मीठे बाबा ने मम्मा को कोई आए हुए थे गेस्ट के लिए अपनी हाथों से बाबा की याद में भोग बनाने का हलवा बनाने का आदेश दिया। मीठी मम्मा बहुत ही प्यार से स्वच्छ दिल से बाबा की याद में हलवा बनाने लगी। समय कम के कारण वो व्यक्ति
बाबा से छुट्टी लेके चले गए, तो पता नहीं एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कितने बहनों ने जाके मम्मा को संदेश दिया कि मम्मा अभी टोली नहीं बनाओ, वो व्यक्ति चला गया। मम्मा उतनी ही प्यार से बाबा की याद में भोग तैयार की और उतने ही शांत चित्त से बाबा के पास पहुंची। कोई प्रश्न नहीं, बिल्कुल प्रशांत चेहरा। बाबा ने मम्मा को देखा, पूछा, मम्मा प्यार से बोली, भोग तैयार है। व्यक्ति तो चला गया था, बाबा समझ गए और लेकिन देखो, स्वच्छ मन का, पवित्र हृदय का खुशबू विजय के ओर। अचानक और एक व्यक्ति जिज्ञासा लेकर आए और मम्मा के हाथ के बने हुए वो प्रसाद खाकर धन्य धन्य हो गए। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ति जाने के बाद, इतना मैसेज जाने के बाद मम्मा क्यों निरुत्तर थी, प्रशांत थी और अपने कार्य में रत थी। ये है मम्मा की जीवन में बाबा पर अटल निश्चय। मम्मा मन बुद्धि में बाबा को स्वीकार कर लिया था और आज्ञाकारी के रूप में कार्य को संभाला। उनके मन में ये नहीं चला गया तो क्यों बनाओ, प्रश्नवाची नहीं, संशय नहीं। मम्मा का वही धारणा थी कि बाबा ने कहा, बाबा ने तो मना नहीं किया ना, बाबा ने बनाने को कहा। तो देखिए, मन जितना स्वच्छ होगा, बुद्धि जितनी स्पष्ट होगी और उनकी आज्ञाकारिता का लक्षण और दिल से बाबा को स्वीकार किया, तो भोग सटीक जगह पर काम में आया। इतना निश्चय होना भी चाहिए जीवन को बनाने के लिए। तो मीठी मम्मा ऐसी गुण थी, गुणवान वाली थी, जो एक गुलशन थी, एक ही पवित्रता के आधार से आज्ञाकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बुद्धि, सच्चे दिल से बाबा को स्वीकार करना, अपने जीवन को पवित्रता जननी है, सुख शांति उसके संतान है। जीवन में उनका प्रकाश के रूप में हमेशा दिखाई पड़ता था। इसलिए मैं कहूँगी, पवित्रता सर्वगुण का खान है और संतुष्टता उसकी पहचान है। तो बाबा ने जो कहा, पवित्रता फाउंडेशन है, मम्मा कर दिखाई जीवन में, तो पवित्रता से संपन्नता संपूर्णता के ओर गई। यही विशेषता हमें भी धारण करने हैं। ओम शांति।
ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। दुनिया सो जाती है तब तो, दुनिया सो जाती है तब तो, सपने में लोरी गाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है ममता की मूरत माँ मेरी। ममता की मूरत माँ।